हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो सुबह के 7:30 बज रहे हैं और आज है मंडे, और मैं यहाँ पे अपने एक दिन पहले के कपड़े जो मैंने सुखाए थे वो उठा रही हूँ। तो कपड़े वैसे अभी मैं डेली लगा रही हूँ मशीन, क्योंकि मुझे वापस जाना है तो पैकिंग वैकिंग सब चल रहा है, इसलिए बाहर मैं डाल देती हूँ, बट मुझे अंदर डालने पड़ते हैं रात में, क्योंकि वो सूख नहीं पाते हैं। बाहर बहुत ठंड है अभी, तो बाहर का 2 या 3 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है सुबह शाम के टाइम, रात में का और भी कम हो जाता है। और अभी हम लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे एक क्राइस ब्यूरो ऑफिस है यहाँ पे, जहाँ पे जैसे इंडिया में होते हैं म्यूनसिपैलिटी ऑफिस, वैसे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑफिस होता है। तो यहाँ पे कोई भी कंट्री से आप आ रहे हो या इस कंट्री को छोड़कर आप जा रहे हो या एड्रेस चेंज करवा रहे हो, तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होता है। तो जब हम इस कंट्री में आए थे, इस एड्रेस पर हम लोग जब आए थे रहने के लिए, तो उस टाइम भी हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, और आज हम लोग डी रजिस्ट्रेशन के लिए गए थे कि हम यहाँ से जा रहे हैं। तो वो कंपलसरी होता है जो सिटीजन्स हैं उसके लिए, उनके लिए भी, और जो सिटीजन्स नहीं हैं उनके लिए भी, और जो बाहर से आ रहे हैं कंट्री से उनके लिए तो कंपलसरी है ही। तो अगर आप एड्रेस चेंज नहीं करवाते हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं, तो यहाँ पर काफ़ी तगड़ा फ़ाइन भी लगाते हैं। तो ये ज़रूर आप अगर आ रहे हैं तो ज़रूर करवा लीजिए। तो अभी हम लोग वही ऑफिस जा रहे हैं, तो सभी को वहाँ जाना पड़ता है, घर में जितने भी मेंबर्स हैं और ये ऑफिस है उनका। तो यहाँ पे हम आ गए हैं क्राइस ब्यूरो के ऑफिस में, और ये हैप्पी सैंडी, तो आज इनकी नींद हुई नहीं कंप्लीट, और दिन भी आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे ठीक तरह से दिन निकला ही नहीं है। सुबह के 8 बज रहे हैं अभी, और यहाँ पे सब जल्दी काम शुरू कर देते हैं। इंडिया के जैसे नहीं कि 10 बजे 11 12 बजे काम शुरू होता है, यहाँ पे बहुत जल्दी लोग उठ जाते हैं सुबह और जल्दी अपने काम शुरू कर देते हैं। 8 बजे के पहले पहले ये लोग ऑफिस आ जाते हैं और सब काम शुरू हो जाते हैं, और शाम में ये लोग जल्दी अपना काम ख़त्म कर देते हैं। 6 बजे यहाँ सब कुछ बंद हो जाता है, शॉप्स, मॉल्स, ऑफिस, सब 6 बजे मतलब बंद हो ही जाता है। तो यहाँ पर अभी हम लोग ऑफिस से तो निकल गए हैं, खूब जाना है मुझे कुछ सामान लेने के लिए। दूध वगैरह, बटर, ब्रेड वगैरह ख़त्म हो गई थी, तो 2-3 दिन के लिए मुझे अभी लेना था यहाँ से कुछ सामान, तो हम लोग खूब चले गए थे। फिर वहाँ से हम लोग घर आ गए थे, और ब्रेकफास्ट, चाय, नाश्ता कुछ किया नहीं था, ऐसे ही चले गए थे रेडी होके। तो अब बस मैं चाय नाश्ता बना रही हूँ, और मेरा फास्ट है तो मैं इन लोग को ब्रेड बटर दे रही हूँ आज फटाफट। आज भी बहुत काम है मुझे, तो काम तो ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है जब तक मैं फ़्लाइट में बैठूंगी नहीं इंडिया के लिए तब तक मेरे काम चलते ही रहेंगे। तो मेरी फ़्लाइट है वेडनेसडे को, और अभी 1-2 दिन और है मुझे, तो बहुत काम है आज भी। तो बस यहाँ पे बच्चों को, इनको मैंने नाश्ता दे दिया था, इनका वर्क फ्रॉम होम था हस्बैंड का, तो वो अपने काम में लग गए, हम लोग अपने काम में लग गए धीरे धीरे कि आज क्या क्या करना है। तो घर में सामान इतनी बुरी तरह से फैल चुका है ना कि समझ में ही नहीं आ रहा है कि अभी कहाँ क्या रखें क्या नहीं रखें, और शाम तक हम लोग इतना थक जाते हैं कि फिर कुछ करने का मन ही नहीं करता है। तो अभी ना डेली मशीन में लगा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, ट्यूसडे और वेडनेसडे ही हम लोग का नीचे रहता है बेसमेंट में लगाने का, बट घर में भी मशीन रहती है तो आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से मैं बालकनी में थोड़ी देर डाल देती हूँ, तो थोड़ा धूप निकलती है, तो थोड़े से ना फ़र्क जाते हैं कपड़े, थोड़े से वो हल्के से फ़र्क जाए ना, फिर रात में उनको मैं शाम होने से पहले ही मतलब मुझे अंदर रखना पड़ता है, नहीं तो वापस से गीले हो जाते हैं कपड़े, क्योंकि बाहर बहुत ठंड है अभी। तो धूप तो इतने अच्छे से नहीं निकलती है यहाँ पे, अगर थोड़ा थोड़ा निकलती है दोपहर में तो 10-15 मिनट के लिए ऐसे निकल जाती है, तो उतनी देर में थोड़ा फ़र्क जाते हैं कपड़े, तो फिर मैं रात में अंदर डाल देती हूँ। तो अभी मैं ना कुछ ना स्नैक्स, नमकीन वगैरह बना रही हूँ हस्बैंड के लिए। तो यहाँ पे कुछ पीनट्स रखे हुए थे मेरे पास, तो पीनट्स मैं फ्राई कर रही हूँ, और ये थोड़े से फ्राई करके मैं एक अलग निकाल दूँगी, क्योंकि मेरे को यहाँ पे आज मुरमुरा नमकीन बनाना है, तो भेल टाइप का बना के रख दूँगी, तो वो हस्बैंड कभी भी उसका भेल वेल बना के खा सकते हैं जब भी उनको भूख लगे, तो वैसे इजी रहता है। मुझे पोहा प्रीमिक्स भी बनाना था, बट मेरे पास कुछ कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था। और ग्रीन चिली, मैं इस बार ना इंडियन शॉप गई थी, पर पता नहीं क्या हुआ, मैंने ग्रीन चिली ली, मैंने पैक भी करी और मैं काउंटर पे रखना ही भूल गई उसको,
तो ऐसा होता है कभी कभी मेरे साथ जल्दबाजी में, तो अब वो ग्रीन चिली नहीं है और यहाँ पे आसपास कहीं भी ग्रीन चिली नहीं मिलती है, तो उस चक्कर में मेरा पोहा प्रीमिक्स बनाने का मन ही नहीं कर रहा था। तो अभी मैं देखती हूँ, और यहाँ पे मैंने ये पीनट्स में थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी मिर्ची, थोड़ा सा नमक डाल के रख दिया है, क्योंकि जब ये गर्म रहते हैं तभी इनमें सब मिक्स कर दो चीज़ें तो अच्छे से मिक्स हो जाती हैं, अदरवाइज़ कोई भी नमकीन बना रहे हैं तो उसमें फिर ना मसाले लगते नहीं हैं ठीक से। तो अभी मैं वही पैन में, थोड़ा सा ऑयल है उसमें तो उसी में मैं थोड़ा सा तड़का दे दूंगी इसके मुरमुरे के लिए। तो मुरमुरा यहाँ पे हम फ्राई कर रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ी सी मैंने राई डाल दी है, थोड़ा सा ज़ीरा डाल दिया है, कड़ी पत्ता धोकर डाल देंगे और बहुत थोड़ी सी हल्दी नमक मिर्च हम इसमें डालेंगे। तो यहाँ बस मुरमुरा भेल मेरा रेडी है, तो इसे कभी भी आप चटनी वटनी डाल के, प्याज मिर्च टमाटर डाल के इंजॉय कर सकते हैं। और ये थोड़े से पीनट्स भी मैं इसमें मिक्स कर दे रही हूँ, और बाकी और मेरे पास मुरमुरा बचा हुआ है तो दूसरा बैच भी मैं इसी तरह से रेडी कर लूँगी और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके मैं रख दूँगी। फिर इसे अच्छे से एयर टाइट कंटेनर में या जिप लॉक पैकेट में अच्छे से रख देंगे तो ये काफ़ी दिन चल जाते हैं और जल्दी ख़राब भी नहीं होते हैं। तो इस तरह से मैं बना के रखती हूँ। अब मैं यहाँ पे कॉफ़ी प्रीमिक्स बना रही हूँ। कॉफ़ी वैसे तो वो कॉफ़ी बना लेते हैं हस्बैंड, ऐसा नहीं है, कॉफ़ी तो वो बना लेते हैं, बट मैं प्रीमिक्स इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास दूध पाउडर एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था। तो यहाँ पे ना ये कॉफ़ी प्रीमिक्स हम लोग बाहर भी जब जाते थे आउटिंग पे या कहीं बाहर जाते हैं तो हम लोग ये ऐसे ले जाते हैं। तो 1 कप आपको मिल्क पाउडर लेना है, मिल्क पाउडर का आधा आपको शक्कर लेनी है और शक्कर का आधा आपको कॉफ़ी लेनी है। एकदम सिंपल सा मेज़रमेंट है, तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत अच्छा बनता है। और जब भी आप ट्रेन से भी सफ़र कर रहे हैं ना, कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं, इंडिया में भी ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो ये बहुत अच्छा प्रीमिक्स है। इसको बना लोगे ना तो आप है ना ट्रेन में ईजी हो जाएगा। बस एक थर्मस में आप अच्छा गर्म करके पानी रख लो, एटलीस्ट बाहर की चाय कॉफ़ी से तो बच ही जाओगे, घर में ये मतलब पीने की इच्छा तो हो ही जाती है बाहर निकलते हैं तो। तो ये बना कर रख लोगे ना तो बहुत इजी हो जाएगा। तो बस ये तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, मिल्क पाउडर, शक्कर और कॉफ़ी को, और 1 बड़ा चम्मच इसमें मैंने कप में डाल दिया है। और अच्छा बढ़िया गरम गरम पानी आप 1 कप में डाल देंगे, थोड़ी देर मिक्स करेंगे और कॉफ़ी आपकी रेडी है। एकदम मतलब ऐसे बाहर की भी जो स्टेशन पे या ट्रेन में मिलती है उससे तो ये बहुत ज़्यादा बेटर है। तो अगर आप कभी भी बनाना चाहें तो ईजीली बना सकते हैं कॉफ़ी प्रीमिक्स। तो ये भी मैंने बना के रख दिया था। थोड़े से मेरे पास मखाने थे, फूल मखाना, वो भी मैंने घी में रोस्ट कर दिया कि ताकि आज मेरा थोड़ा फास्ट था तो मुझे भी खाने का मन कर रहा था, तो अगर ये थोड़ा सा हम लोग खा लेंगे और अगर मुझे रखने रहेगा तो मैं रख दूँगी हस्बैंड को। और यहाँ पे मैं यहाँ चिमनी का ना ये, तो ये चिमनी की प्लेट है जो मैं साफ़ नहीं कर पाई थी, तो मैंने इसे पानी में रख दिया है, थोड़ा गर्म पानी में, बहुत अच्छा खौलता हुआ पानी है, तो यहाँ पे ना काफ़ी अच्छा गर्म पानी आता है नल में, तो इसे मैंने भिगा कर रख दिया था। तो अब मैं इसे थोड़ा सा घिस लेती हूँ क्योंकि दिवाली के पहले, आई थिंक नवरात्रि के टाइम मैंने इसे साफ़ किया था, तो इसमें ना काफ़ी जो ऑयल वगैरह है तो वो बहुत जम जाता है। तो अच्छा हुआ ये 1 ही प्लेट है, इसमें 2 प्लेट नहीं है। मैं जहाँ इंडिया में मेरा फ्लैट है वहाँ पे तो 2 ऐसे है चिमनी की प्लेट। तो ये ना बस मैं इसे साफ़ कर रही हूँ अच्छे से, गर्म पानी से थोड़ा देर भिगा के रख दो लिक्विड डाल के, तो ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। और फिर दूसरे बाकी मैं काम है वो भी करते रह रही हूँ साथ साथ में। तो यहाँ पे मैं आज मुझे आलू के पराठे भी बनाने हैं, तो आलू मैं थोड़े से धो के वॉश करके और कुकर में चढ़ा दे रही हूँ, मेरा फास्ट है तो मुझे भी हो जाएंगे साबूदाना वगैरह में, और मुझे ये आलू के पराठे में भी हो जाएगा। तो आलू के पराठे थोड़ा ज़्यादा ही बना लूँगी मैं अभी दोपहर में, इन लोग को लंच के लिए हो जाएगा ये तीनों को, और थोड़े ज़्यादा बना दूँगी तो मैं स्टोर करके रख दूँगी फ्रोज़न। जो मैं आलू का पराठा पहले भी बनाई थी मैंने जब मैं इंडिया गई थी बीच में, तो बहुत अच्छे होते हैं ये ना, काफ़ी दिन चल जाते हैं फ्रोज़न आलू का पराठा। तो ये सूख गई थी प्लेट मेरी, तो मैंने सोचा इसे लगा ही देती हूँ मैं। और शाम के लिए कुछ दाल वाल मैंने भिगा के रख दी है, उड़द की दाल बहुत बच गई थी, तो उड़द की दाल कभी हस्बैंड तो बनाएंगे नहीं इसलिए मैंने सोचा मैं बना देती हूँ। यहाँ पे गिट्स का एक छोटा पैकेट मेरे पास पड़ा हुआ था गुलाब जामुन का, उसमें भी थोड़ा सा ही था, आधा पैकेट ही था, तो मैंने सोचा ये बना के ख़त्म करती हूँ इसको क्योंकि पड़ा रहेगा वेस्ट ही जाएगा। तो
नहा कर आई थी, तो बस यही काम मेरे चल रहे थे। और यहाँ पे ना ठंड इतनी है कि बाल बिल्कुल नहीं सूखते हैं, और मेरे बाल बड़े भी हो गए, पहले मेरे छोटे थे बाल, मैं अभी इंडिया से कटवा के भी आई थी। बट यही है, ग्रोथ तो हो जाती है बट हेयर फॉल भी बहुत हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ना काफ़ी हार्ड वाटर रहता है, तो उसकी वजह से बहुत मुझे हेयर फॉल हो रहा है। अभी वापस जाके इंडिया जाके फिर से कटवा लूँगी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा, मेरे आज ना मल्टीटास्किंग चल रही है मेरे, थोड़ा कहीं बेडरूम में काम, कहीं कुछ काम। तो अभी ना मैं एक बार फिर से चेक कर रही हूँ, मैंने अपना बैग अच्छे से रख दिया था, बट मैंने सोचा फिर से एक बार रीचेक कर लेती हूँ, कुछ रह तो नहीं गया, कुछ रखने का है तो मैं, मेरी आदत है पता नहीं क्यों मैं 2-3 बार चेक करती हूँ। तो ये चाबी मैं देख रही थी घर की, मैंने कीस रखी है कि नहीं, मेरी गाड़ी की कीस मैंने रखी है कि नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं जो अपन सूटकेस में कहीं भी रख दूंगी ना, तो मैं कहीं भी मिस हो जाएगी, और फिर जब वो एंड मोमेंट पे ढूंढते हैं ना, लास्ट मोमेंट पे तो नहीं मिलती हैं। और ये कुछ गोल्ड ज्वेलरी है जो मुझे इसमें अपने हैंडबैग में ही रखनी होती है, तो वो मैं रख रही हूँ। और यहाँ पे ये मेरे पासपोर्ट्स हैं, और ये मेरा पर्स है जिसमें मेरे इंडिया की करेंसी है, यहाँ की यूरो है, और स्विस करेंसी है, और डॉलर भी हैं। तो यहाँ पे ये मेरा कुछ सामान है जो छोटा छोटा पाउच में मैंने रख लिया है, और कुछ भी आप क्रीम वगैरह या मॉइस्चराइज़र वगैरह रख रहे हैं तो वो छोटा छोटा आपको रखना है बॉटल। और यहाँ पे कुछ मेरी रेगुलर मेडिसिंस हैं कि जिसकी ज़रूरत मुझे पड़ सकती है, तो वो हमेशा मैं पाउच में कैरी करती हूँ। मास्क मैंने रख लिए हैं, और ऑफकोर्स मेरी टिकट्स, और ये मेरा कोविड का सर्टिफिकेट, ये सब मैंने इस तरह से ट्रांसपेरेंट पेपर में रख लिया है पाउच में। और इस तरह से मैंने अपना बैकपैक कर लिया है, हैंडबैग मेरा तो, और मेरा सनग्लासेस हैं, सनग्लासेस की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी बट फिर भी मैं रख लेती हूँ। एक वाटर बॉटल ज़रूर रखती हूँ, पानी भले ना रखूँगी पर एक वाटर बॉटल ज़रूर कैरी करती हूँ, कभी भी लगेगा तो मैं फिल कर सकती हूँ एयरपोर्ट से। और ये मेरा बैकपैक हो चुका है। तो थोड़े काम मैं इधर कर रही हूँ, थोड़ा काम बेडरूम में, थोड़ा किचन में। तो अभी ना आलू के पराठे की तैयारी कर रही हूँ, आलू हो गए थे मेरे, और मैंने सोचा कि अब मैं पराठे वराठे बना लेती हूँ। साथ साथ में मैंने गुलाब जामुन का आटा जो लगा के रखा था उसकी कढ़ाई भी चढ़ा दी थी, तो साथ साथ वो भी फ्राई हो रहे थे, और पीछे मैंने चाशनी भी बनाने के लिए रख दी थी। तो वैसे तो मैं सोच रही थी कि ना ही बनाऊं, पर मैंने कहा वेस्ट हो जाएगा वो पैकेट, और हस्बैंड भी मना कर रहे थे, मत कर इतना, मत कर इतना, मैं बना लूँगा, मैं कर लूँगा। मुझे पता है वो बना लेंगे, वो कर लेंगे, बट फिर भी पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं मानता है। मेरे से जितना हो सकता है मैं कर पाती हूँ तो मैं कर देती हूँ, और ये बस थोड़े बहुत ही गुलाब जामुन बने, और काफ़ी बड़े बड़े भी बन गए थे। तो यहाँ पे ना मैं आलू का मसाला बना रही हूँ। तो आलू के पराठे मैं मतलब अलग अलग तरह से बनाती हूँ, कभी मेरा मन नहीं होता तो मैं उबले आलू में ही मसाले मिला देती हूँ, और इस तरह से फ्राई करके, अगर जैसे आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो फ्राई करके बनाओ तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ऑयल में मैंने प्याज मिर्च डाली थी, ज़ीरा डाला था, और थोड़ा सा राई वगैरह सौंफ वगैरह डाल दिया था खड़े मसाले, और यहाँ पे आलू बॉईल करके डाला है मैंने, बेसन भी थोड़ा सा इसमें ऐड किया है, भुना हुआ बेसन और मसाले वगैरह, और कश्मीरी लाल मिर्च, कसूरी मेथी, ये सब का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसमें। चाट मसाला वगैरह डाल सकते हैं आप, चाट मसाला नहीं है तो अमचूर पाउडर डाल सकते हैं, काला नमक थोड़ा सा डाल दो, सादा नमक थोड़ा सा डाल दो, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इसे अच्छे तरह से भून लेना है। अगर आप बेसन इसमें डालते हो ना तो इसका मॉइस्चर जो है बिल्कुल भी नहीं रहता है, और प्याज का भी बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रहता, प्याज को भी अच्छे से सेक सकते हैं हम। धनिया मैंने अच्छे से धोकर इसमें अच्छे से डाल दी थी काट कर, और अब इसको ठंडा होने देंगे। तब तक मैंने, वो ठंडा हो रहा था मसाला, तब तक मैंने साबूदाना बना लिया था अपने लिए, क्योंकि मुझे भी साबूदाना, मैं दोपहर में ऐसा नहीं है कि कुछ ना खाऊं, अगर मैं कुछ नहीं खाती हूं तो मेरा बीपी लो हो जाता है, तो कुछ ना कुछ तो मुझे खाना ही पड़ता है। तो यहाँ पे हरी मिर्च मेरे पास नहीं थी आज एक्चुअली, तो मैं ना उसमें हरी मिर्च नहीं डाल पाई, और यहाँ पे सैंडी शूट कर रहा है इसलिए इतना हिल रहा है कैमरा। तो यहाँ पे तो मैं मिर्च ढूंढ रही थी, फिर मुझे देगी मिर्च मिली, तो मैंने सोचा थोड़ी सी यही डाल देती हूँ, एटलीस्ट कुछ तो लगेगा। और यहाँ पे मेरे आलू के पराठे बन रहे हैं, साबूदाना बन गया है, आलू के पराठे बना बना के मैंने इन लोगों को दे दिए थे। और यहाँ पे अगर आपको आलू का पराठा फ्रीज़ करना है तो उसको आपको ज़्यादा सेकना नहीं है, और ऑयल और घी उसमें कुछ भी नहीं लगाना है, बस ऐसा आधा कच्चा मतलब आधा पका हुआ आपको पराठा रख लेना है, और इसको ठंडा होने देना है, ठंडा होने के बाद आप उसको पैक करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे गुलाब जामुन भी मेरे रेडी हैं,
चाशनी में डाल दिए थे, बहुत अच्छे से फूल गए हैं। और यहाँ पे मेरे आलू के पराठे भी काफ़ी सारे रेडी हैं, तो मैं इस तरह से कट लगा कर ना इसको रख देती हूँ। तो जितने चाहिए आपको पीसेस बच्चों को भी इस तरह से देंगे पिज्ज़ा जैसे ना, तो ये बहुत अच्छे से खा लेते हैं ये लोग। तो लास्ट टाइम मैं जब गई थी तो सैंडी यहीं पर था डैडी के पास, और मैं हैप्पी के साथ इंडिया गई थी एग्ज़ाम के लिए उसके, तो तब ये ऐसे ही करके गई थी, तो वो बहुत अच्छे से खा लेता था एक एक स्लाइस उठा के। तो इस तरह से आप करके रख देंगे, और ठंडे होने के बाद इनको जिप लॉक पैक में रखना है। और अगर आप सीधे सीधे रख रहे हैं इस तरह से बिना कट करके, तो एक एक बटर पेपर लेके उनको इस तरह से रखना है ताकि एक दूसरे से वो चिपके नहीं, क्योंकि फ्रीज़र में रखते हैं तो चिपक जाते हैं सब एक दूसरे के साथ ना। तो इस तरह से आप रखेंगे तो एक एक बटर पेपर में अलग अलग रहेंगे। और इस तरह से मैं ये बटर ये पैकिंग तभी आपको करनी है जब आपका पूरा वो ठंडा हो जाए पराठा। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का ये वीडियो, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।